a website HTML code with styling of that basic charity website. Sorry for the spelling mistake, website. तो आप देख सकते हैं कि HTML कोड इसने हमें जनरेट करके दे दिया फ्रंट एंड वेबसाइट की पूरी, और इसके अंदर डमी डेटा भी खुद इंटेलिजेंटली ऐड करता है और साथ साथ कमेंट्स भी कर देता है, इसको स्टाइलिंग भी कर रहा है। आप देखो बॉडी टैग पे इसने स्टाइलिंग कर दिए, फॉन्ट फैमिली और एरियल सैन फ्रांसिस्को का इसने, और डॉट कंटेनर डॉट बटन की स्टाइलिंग है, बटन की स्टाइलिंग, कंटेनर की स्टाइलिंग, बॉडी की स्टाइलिंग। देखते हैं और क्या क्या प्रोवाइड करके देता है हमें। अबाउट सेक्शन इसने बना के दिए, अबाउट की, प्रोजेक्ट की और कॉन्टेक्ट की, और उनके साथ मतलब इनकी एट्रीब्यूट्स आईडी है ना, तो उनके वो एट्रीब्यूट्स से सेलेक्ट कर रहा है, हैश अबाउट, हैश प्रोजेक्ट्स, आईडी एट्रीब्यूट से उनको सेलेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से इसने एक बटन क्लास बना दिए, और इसके अंदर आवर प्रोजेक्ट के अंदर उसने डमी डेटा डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप देखें, बिल्डिंग होम्स फॉर लो इनकम। हम वेट करेंगे पूरा वेबसाइट हमारा जनरेट करे, ताकि हम रन करके देखें लोकली कैसे हमारा वेबसाइट चल रहा है। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक एग्जांपल एंड यू कैन ऐड मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब आप इसको अकॉर्डिंगली अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वेबसाइट की, उसको अकॉर्डिंगली आप कुछ इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए हम एक फोल्डर बनाएंगे इधर, इसका नाम रख लेते हैं वेबसाइट चैट जीपीटी या चैट जीपीटी वेबसाइट, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे कोड विद विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसकी लोड होने में। इसके बाद index.html पेज बनाएंगे, ताकि हम अपने कोड को इंपोर्ट कर सकें, जो कोड हमने उधर चैट जीपीटी को बताया था कि आप लिखें हमारे लिए। तो उसकी कोड हमने इधर आके पेस्ट कर दिया। अब हम अपना जो लाइव सर्वर एक्सटेंशन है VS कोड का, विजुअल स्टूडियो कोड का, उसके ज़रिए हम अपने वेबसाइट को चालू करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिक सी इसने हमें फ्रंट एंड वेबसाइट्स की बना के पूरी दी है। अबाउट पेज है ये, इसकी लॉजिक अभी नहीं लिखी है, लॉजिक भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका लॉजिक भी हम इससे लिखवाएंगे कैसे। और आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट, अबाउट कॉन्टैक्ट्स। इसके बाद उसने स्टाइलिंग दी है, लर्न मोर, मतलब बैकग्राउंड कलर उसने दिया है रेड सबको, डोनेट आवर प्रोजेक्ट, बेहतरीन स्टाइलिंग। आप भी आप इसकी स्टाइलिंग चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी आप इसका रेड ना करके ना ग्रीन करवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टूल है, प्रोडक्टिविटी टूल मैं ऐसे कहूँगा। मैं अपनी प्रोडक्टिव काम के लिए इसको बहुत यूज़ करता हूँ, एज ए मेंटोर इसको यूज़ करता हूँ। मतलब ये कोई भी चीज़ मुझे नहीं आता तो मैं इसको बता देता हूँ कि मुझे, मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मुझे समझा दो। तो ये बेसिकली ना सारा चीज़ें समझा देता है, इस तरह बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें। अभी मैंने इसकी बैकग्राउंड चेंज की है, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज करने से इसके सारे वो चेंज हो गए हैं।